गाइस वेलकम टू माय चैनल द एक्सपेरिमेंटल फूडी। मेरा नाम है रिया और आज मैं लेके आई हूँ क्रैक्स के ये नमकीन। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना ताकि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये है क्रैक्स का मस्क मूंगफली। इसकी MRP 5 rupees है, क्वान्टिटी 15 grams है एंड बेस्ट बिफोर है इसकी 1/8/2022, मतलब आपको 4 months की शेल्फ लाइफ मिल जाती है। एंड इसके इंग्रेडिएंट्स में है पीनट 64%, ग्राम फ्लावर, एडिबल वेजिटेबल ऑयल जो कि रिफाइंड पाम ऑयल है एंड कॉटन सीड ऑयल है। स्पाइसेस में है आयोडाइज सॉल्ट, ड्राइड मैंगो पाउडर, चिली, ब्लैक पेपर, कार्डमम, क्यूमिन, सिनेमन, क्लव एंड जिंजर, मेस, नटमैग, कोरिएंडर, रॉक सॉल्ट, एसिडिटी रेगुलेटर्स। एंड या इसमें एलर्जिक एडवाइस है कि इसमें सोया और वीट है और नट्स हैं, तो अगर आप इनमें से किसी से भी एलर्जिक हो तो आप इसको कंज्यूम ना करें। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स इसमें 30 ग्राम्स के अकॉर्डिंग में दिया गया है जो कि है एनर्जी 180.6 kcal, प्रोटीन 6.9 grams, कार्बोहाइड्रेट 7.2 grams, टोटल शुगर 0.9 grams, एडेड शुगर 0, टोटल फैट 13.8 grams, सैचुरेटेड फैट 2.7 grams, ट्रांस फैट 0.05 grams, कोलेस्ट्रॉल 0 एंड सोडियम 495.3 mg। और इसमें लिखा है ये जो पैक है वो 1 लोगों के लिए है, तो नंबर ऑफ सर्विंग्स 1 है इसकी। तो ये हो गए इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स। अब मैं दे देती हूँ एक क्लोजअप व्यू। सामने से ये रेड कलर की पैकेजिंग में है, इधर मूंगफली के दाने बने हुए हैं, इस साइड पे आपको MRP, क्वांटिटी एंड बेस्ट बिफोर की डेट मिल जाती है। ये न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, इसके नीचे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, बाकी सारे डिटेल्स दी गई हैं। तो क्रैक्स के वो जो रिंग्स आते हैं वो तो सबने आई होप खाए ही होंगे, तो आज हम देखेंगे ये कैसा लग रहा है। पर उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फूडी फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलो अब इसको ओपन करते हैं और टेस्ट करते हैं। यहाँ तक में है, ये बेसिकली मूंगफली दाने हैं जो मसाले में कवर्ड होते हैं। इनका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा सा क्रंच है ऊपर जो कोटिंग है उसमें। एंड मसाले और नमक की बात करें तो बिल्कुल बैलेंस में है, कुछ भी ओवर पावर नहीं कर रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई करना अगर आपको पीनट्स वगैरह पसंद है तो। मुझे पीनट्स ऐसे सिंपल नहीं, इन सब तरीकों से तो पसंद आ जाते हैं। तो आप बताना आपको पीनट्स पसंद है या नहीं, और ये भी ज़रूर ट्राई करना कमेंट सेक्शन में आकर बताना आपको कैसा लगा। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखना आपको क्या इस चैनल पर देखना है। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फूडी फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए फूड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग योर फूड।